गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि अकाउंट की पेपर का इवैल्यूएशन कैसे होता है। आप लोगों ने पेपर लिखना कैसे है वो देखा था, आज उसकी करेक्शन टीचर्स कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं। ये एक पेपर है जिसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स बच्चे को मिले हैं। सेक्शन ए आप लिखते हो, उसमें आपको प्रॉपर नंबर देना है, सेक्शन लिखना है, क्वेश्चन 12 MCQ है, अल्फ़ाबेट लिखे और उसके बाद उसका आंसर वर्ड लिखे। टीचर एक करेक्ट करेगी, एक एक करके मार्क्स देगी। सही मार्क्स होते हैं 12 मार्क उस बच्चे को मिले हुए हैं। मार्जिन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा जाता है। सेक्शन बी जिसमें कि आपको वन लाइनर आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा है, क्वेश्चन टू उसके जितने भी सब क्वेश्चन है उसके नंबर लिखे हैं, आपकी आंसर पढ़ी जाएगी 1 मार्क, आंसर पढ़ी जाएगी 1 मार्क, उस तरह से आपके आंसर्स के मार्क्स दिए जाएंगे। 12 मार्क के क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स लिखे हैं, 12 मार्क्स मिले हैं। सेक्शन सी आप देखेंगे तो 3 मार्क का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है जिसके 3 पॉइंट्स हो, 1 पॉइंट 1 मार्क। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट के मीनिंग लिखने थे, 3 टर्म्स के, तो 3 टर्म्स के मीनिंग लिखे हैं, 3 मार्क्स मिले। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा वो पॉइंट है, 3 पॉइंट पूछे हैं, 3 मार्क मिलेंगे। यहाँ पे 3 जर्नल एंट्री पूछी है, 3 पॉइंट 3 जर्नल एंट्री, उसके 3 मार्क मिले हैं। प्रोफॉर्मा का प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, अगर यहाँ पे टीचर को कोई मिस्टेक मिली तो वो मार्क्स काट सकती है। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, वापस आपको 3 ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे, आपको उसका जर्नल लिखना है, उसके इफेक्ट दिखाने हैं और इक्वेशन बना के उसमें भी उसके इफेक्ट दिखाने हैं। हर एक का टोटल होना ज़रूरी है इक्वल, 3 मार्क 3 पॉइंट्स। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मली 1/4 एक अकाउंट की बैलेंस का कैलकुलेट करके ही आपको अकाउंट दिए जाते हैं। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करके टोटल होना चाहिए, प्रॉपर उसका हेडिंग होना चाहिए, प्रोफॉर्मा होना चाहिए, 3 मार्क्स। जर्नल एंट्री का यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला गया है कि आपको उसका नरेशन नहीं लिखना है तो मत लिखिए, और उस तरह से उसके स्पेशल जर्नल एंट्रीज आपने पास किए उसके प्रोफॉर्मा के हिसाब से, टोटल के हिसाब से तीनों करेक्ट थे, मार्क्स मिल गए। तो अगर आप देखेंगे तो आपका सी सेक्शन ख़त्म हुआ, 18/18 मिले हैं। डी सेक्शन देखेंगे, यहाँ पे सब्सिडरी बुक बनाना है, सब्सिडरी बुक का मार्क्स होगा यहाँ 3, 1 मार्क होगा आपके नोट्स आप जो लिखते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आंसर, कैलकुलेशन से फिगर आपको डिराइव करने हैं और लिखना है, प्रोफोर्मा सही होना ज़रूरी है। लेजर देखेंगे, 4 लेजर बनाने को पूछा है, सिर्फ लेजर पोस्टिंग पूछा है तो उतना ही करेंगे, आप बैलेंसिंग नहीं करेंगे, तो लेजर के प्रोफोर्मा को प्रॉपर फॉलो कीजिए। तो डी सेक्शन में 4 4 मार्क के क्वेश्चन में 8 मिले। ई सेक्शन है जिसमें 6 मार्क का क्वेश्चन होता है, जर्नल है, अगेन बोला गया है आपको कि जर्नल का प्रोफोर्मा फॉलो कीजिए, ठीक से लिखिए, नरेशन कीजिए, टोटल कीजिए और क्वेश्चन को एंड कीजिए। जितने जर्नल सही उतने मार्क्स मिलेंगे, जो गलत होगा उसका मार्क्स कट हो जाएगा। उसके बाद है सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 सब्सिडरी बुक पूछी गई है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसका हो गया 4 मार्क, इसका हो गया 2 मार्क, इसका हो गया आपका नोट्स का भी मार्क, तो इस तरह से आपको 6 मार्क का स्प्लिट अप हो जाएगा। कैश बुक का क्वेश्चन है, 2 कॉलमनर 3 कॉलमनर सिंपल जो भी पूछा है उस हिसाब से प्रोफोर्मा करो, प्रॉपर उसकी पोस्टिंग करो, अगर सब सही है क्लोजिंग बैलेंस चेक किया जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री है तो उसका प्रॉपर पोस्टिंग चेक किया जाएगा और बैलेंस चेक करके मार्क्स देते हैं। तो इस तरह से ई सेक्शन में भी 18 मार्क्स बने। अभी एफ सेक्शन लास्ट, जिसमें आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, हर एक के आपके मार्क्स होते हैं। अगर ट्रेडिंग सही हो गया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, P&L सही हो गया आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और बैलेंस शीट सही हो गया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, उस तरह से 12 मार्क। अभी जहाँ पे जितनी गलती है उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट मार्क्स कटेंगे। टीचर सबसे पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट टोटल देखेगी,
उसके बाद वो कैपिटल का बैलेंस देखेगी, उसके बाद वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ठीक से देखेगी, और बाद में जो जो एडजस्टमेंट जितने गलत है उस हिसाब से आपके मार्क्स प्रोपोर्शनेट कटेंगे। जीरो तो नहीं मिलेगा पर प्रोपोर्शनेट मार्क्स आपके कट होंगे। इस तरह से इवेल्युएशन होता है। अभी आप देखो रिकॉर्डिंग, ए सेक्शन के वी सेक्शन सी डी और ई एफ मिला के यहाँ पे 80/80 मिले हैं। अकाउंट में आप श्योरली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो हमने 11th में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया और अपने आप को तैयार किया है। नाउ टेक सम रेस्ट, रिलैक्स एंड देन बिगिन फॉर द 12th क्लास। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो, और हमारे साथ वीडियोस में बने रहिए ताकि हमारी 12th की प्रिपरेशन हम कर पाएँ। थैंक यू।